नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और रूबिका लियाकत स्टूडियो में आ चुके हैं मेरे साथ। अगले 15 मिनट तक हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। अली बड़े जजों की नियुक्ति पर एक बार फिर बोले सीजीआई, ट्रिब्यूनल के खस्ताहाल ढांचे पर उठाए सवाल, कहा देश भर के हाईकोर्ट में 500 जजों के पद खाली। सीजीआई डीएस ठाकुर के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद न्यायपालिका का करते हैं सम्मान, लेकिन सबसे ज्यादा नियुक्ति इसी सरकार ने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा काले धन पर प्रहार का सही वक्त, नीतीश के नोट बैन के फैसले का किया समर्थन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से नजदीकी का किया खंडन, कहा अमित शाह से नहीं की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने फारूक के बयान की कड़ी निंदा की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने फारूक के बयान को बताया शर्मनाक, कहा फारूक पहले भी देते रहे हैं इस तरीके से विवादित बयान। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, कहा पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इसे लेकर रहेंगे। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जताई हैरानी, कहा इतने सीनियर नेता को ऐसी बोली शोभा नहीं देती। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर भारत के दावे पर उठाए सवाल, भारत सरकार से पूछा क्या पीओके तुम्हारे बाप का है। बड़बोलेपन में अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता को बताया जुल्मों का मारा, कहा भारत के पास सिर्फ बातचीत का है विकल्प, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो छीन कर पीओके वापस ले सके। मुंबई में हुए आतंकी हमले की 8वीं बरसी, आज 166 लोगों के आतंकी हमले में गई थी जान। मुंबई के जिम खाना क्लब में दी गई 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र के राज्यपाल, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई हमले के शहीदों को मुंबई जिमखाना क्लब के बने शहीद स्मारक पर दी गई है श्रद्धांजलि, लोगों ने लगाए भारत जय माता के नारे। मुंबई हमले के शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीद तुकाराम मेमोरियल का पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुंबई हमले की बरसी पर कॉलेज स्टूडेंट्स का मार्च, मिठीबाई कॉलेज की तरफ से 2000 स्टूडेंट्स निकाला शांति मार्च। आतंकी हमले की 8वीं बरसी पर लोग भूले 26/11 के शहीदों का नाम, जी न्यूज ने सवाल पूछा तो मुंह फेरते हुए नजर आ। 8 साल बाद भी मुंबई की समुद्री सीमाएं कमजोर है, जी न्यूज ने समंदर के अंदर जाकर किया हालात का रियलिटी चेक। शुरू में मुंबई हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सुरक्षा बलों की शहादत को किया गया नमन। श्रीनगर में शहीद चंद्र सिंह को सेना की सलामी, पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए चंद्र सिंह के गांव में शोक की लहर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मातम, शहीद के परिवार में पत्नी और दो बेटियां। जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में फायरिंग, बीएसएफ का एक जवान घायल। आतंको कश्मीरी युवकों का करारा जवाब, 190 कश्मीरी युवाओं ने ज्वाइन की सेना। डीजीपी आईजी सम्मेलन में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी, आज से शुरू 3 दिन का सम्मेलन, सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और युवाओं के कट्टरपंथ की तरफ मुड़ने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचे पीएम मोदी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, हैदराबाद में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पहली बार पढ़ी गई श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज, नमाज के बाद फिर दिखे पाकिस्तान और आईसिस के झंडे। कश्मीर में तनाव की वजह से मुगल गार्डन में आने वाले सैलानियों पर असर पड़ा है, वीरान पड़ा है घाटी का मुगल गार्डन। आज और कल देश भर में बंद रहेंगे सरकारी बैंक, एटीएम का ही सहारा, कई जगह प्राइवेट बैंकों को भी बंद रखा गया। जनधन खातों में बड़ा डिपॉजिट, 64,250 करोड़ रुपए हुए डिपॉजिट, 10,670 करोड़ के साथ लिस्ट में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में भले ही कैश की कमी हो, शब्दों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज से कैशलेस कैंपेन करेगी, डेबिट क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करेगी पार्टी के कार्यकर्ता, नुक्कड़ नाटकों में लेंगे हिस्सा और सहारा दूसरा। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रहे पोल में पीएम मोदी सबसे आगे, 5 दिसंबर तक होनी है वोटिंग, 7 दिसंबर को नतीजे घोषित। आज से केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए शुरू करेगा अभियान, वित्त सेवा विभाग करेगा मदद। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भीलवाड़ा के हरिसेवा आश्रम पहुंचे, पदाधिकारियों के साथ 2 दिन तक चलेगी बैठक। अहमदाबाद में गोल्ड कंपनी से 14 किलो सोने की लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर है, सुरक्षा गार्ड पर शक। झारखंड के सिमडेगा में डैम निर्माण के दौरान हादसा, 3 मजदूरों की दबकर मौत, लोगों में आक्रोश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूली बस पलट गई है, 24 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं, 2 की हालत बहुत नाजुक है, लव कुश नगर के मुडेरी में हुआ यह हादसा। कटिहार में ट्रक और कार में टक्कर, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक।
कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में लगी आग, मरीजों को शिफ्ट कराया गया, चला बड़ा हादसा। मुंबई में लोकल ट्रेन की ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूटने से ट्रेन सेवा में बाधा, कसारा से कल्याण के बीच लोकल ट्रेन सेवा थोड़ी देर के लिए रुक गई। रतलाम में बाल सुधार गृह में सुरक्षा में सामने आई बड़ी लापरवाही, बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे, 3 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर की झुंगियों में भीषण आग लग गई, कई लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के गुलबर्ग में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया, देखते ही देखते आग की लपटें बाइक को पूरी तरह से निकल चुकी थी, फायर ब्रिगेड ने काबू किया। हरियाणा के पानीपत के एक फैक्ट्री में 8 मजदूर जिंदा जले, मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, मालिक मौके से फरार। दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक्सिस बैंक में छापा, 2 मैनेजर की घर में पर भी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, 3.5 करोड़ के नोटों की रिकवरी से जुड़ा है मामला। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, दिल्ली वक्फ बोर्ड में गलत भर्तियों की धांधली का है आरोप। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोपों पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी बोली, वक्फ की संपत्ति को निजी संपत्ति समझना गलत है। एसपी नेता अमनमणि त्रिपाठी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार, दिल्ली से सीबीआई ने किया गिरफ्तार। यूपी के 10 जिलों में समाजवादी नमक योजना शुरू, आयरन और आयोडीन युक्त नमक की होगी आपूर्ति, सीएम अखिलेश ने लॉन्च किया। उड़ान हादसे के बाद ट्रेन यात्रियों में एक बार फिर दिखी दहशत, पहियों से आवाज आने के बाद यात्रियों ने मलासा स्टेशन पर रुकवाई ट्रेन, जांच के बाद हुई रवाना। कमीशन पर नोट बदल रहे, इलेक्शन एजेंट पर नजर रहेगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक मनी एक्सचेंज, हवाला ऑपरेटर्स और आतंकी गुटों पर भी निगरानी। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार ने आईटी एक्ट संशोधन को दी है मंजूरी, अघोषित आय जमा करने पर 200% तक लगेगा जुर्माना। कुशीनगर में पीएम मोदी की रैली की तैयारियां जारी है, रैली स्थल का जायजा लेने के लिए डीआईजी पहुंचे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अक्षय कुमार ने की असम के शहीद परिवार की मदद, उल्फा उग्रवादियों के मुठभेड़ में शहीद की पत्नी के खाते में जमा करवाए 9 लाख। बिहार के मधुबनी के अस्पताल में डिलीवरी के बाद पैसे नहीं देने पर महिला और उसके बच्चे को बनाया बंधक, गरीब परिवार नहीं कर पाया पैसों का इंतजाम। छत्तीसगढ़ में राइस मिल एसोसिएशन की हड़ताल जारी, शासन के आदेश पर एसोसिएशन ने जताई है नाराजगी। पुणे पुलिस ने कैंप एरिया में कार से बरामद किए 1.12 करोड़ रुपए, कमीशन पर बदले जा रहे थे पुराने नोट। नागपुर के ओरेंज ट्रेन में 3 बदमाशों ने की फायरिंग, बदमाशों की तलाश जारी। ग्वालियर के ऋषिकुल स्कूल में टीचर पर छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है, छात्र को करना पड़ा था अस्पताल में भर्ती। भोपाल में सरकारी स्कूल के टीचर पर दबंगों का हमला, बिजली चोरी करने से किया था मना। टीकमगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने जिला शिक्षा अधिकारी के स्टेनो पर किया जानलेवा हमला, मामला दर्ज। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने किया सिंचाई विभाग के क्लर्क को गिरफ्तार, क्लर्क पर रिश्वत लेने का आरोप। दिल्ली के पहाड़गंज में संदिग्ध हालत में 4 मंजिला इमारत से गिरा युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, अब तक पहचान नहीं हो पाई है युवक की। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या, 2 साल पहले नौकरी करने गया था। वैशाली एक्सप्रेस में छपरा स्टेशन पर नकली टीटीई की यात्रियों ने खूब पिटाई की, गोरखपुर में जीआरपी ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के बल्लभगढ़ में पुराने नोट लेने से मना करने पर बदमाशों ने की शोरूम के मालिक और कर्मचारियों की पिटाई। पश्चिम बंगाल के भदौरिया में बच्चों की तस्करी के मामले में एक नया खुलासा आया है, सीआईडी ने बरामद की बच्चों के कंकाल और हड्डियां, एनजीओ के ऑफिस की तलाशी के दौरान यह खुलासा हुआ। मैनपुरी में दबंगों ने की दुल्हन और घरवालों की पिटाई, शादी रुकवाने की दी धमकी। रायपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की, हालात बिगड़ते देख बजाना पड़ा सायरन। बिहार के गया में सामने आया बैंक में डकैती का मामला, 1,30,000 रुपए की लूट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी महिला नक्सली समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बड़ी वारदात नाकाम। छत्तीसगढ़ के कोंडगांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई है गश्त। छत्तीसगढ़ के केशकाल ब्रिश्रामपुरी रोड पर पुलिस ने बरामद की बारूदी सुरंग, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। आगरा में बैलून फेस्टिवल में जमा रंग, आसमान का देखते ही बन रहा है नजर। यूपी के बरेली में शादी की रात 2 लड़कियों ने दुल्हन पर फेंका तेजाब, इलाज के बाद सुबह 4 बजे हुए शादी के फेरे। संविधान निर्माण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने दिल्ली में किया मार्च का आयोजन, रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले माघ मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लग गया है, श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक के कप और ग्लास का इस्तेमाल। पंजाब के मानसा में किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में छोड़े 200 आवारा पशु, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से थे परेशान।
नोटबंदी के चलते इलाहाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी में इलाज किया मुफ्त, मानवीय आधार पर उठाए ये कदम। अपने पढ़ने वाली छात्रा की पहल पर बदल गया पंजाब में फतेहाबाद के गांव का नाम, पीएम को खत लिखकर की थी नाम बदलने की अपील। गाजियाबाद के स्कूली बच्चों ने सोलर एनर्जी से बनाई कार, सौर ऊर्जा से चलेगी ये कार, प्रदूषण से निजात पाने के लिए ये कार बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की 90 साल की उम्र में निधन, करीब 50 साल तक क्यूबा पर राज किया। चीन के जिजियांग प्रांत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.7 की तीव्रता। स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के एलन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़े, बनाया नया रिकॉर्ड। इसराइल के जंगलों में फैली आग को काबू में करने के लिए दूसरे देश सामने आ गए हैं, ग्रीस, साइप्रस, इटली, रशिया और टर्की आग बुझाने में जुट गए हैं। इसराइल में एक आदमी को हाईवे पर गलत दिशा में कार चलाने पर किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने पीछा करके धर दबोचा। सीरिया के अलेप्पो शहर पर बमबारी तेज हो गई है, मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। सीरिया के डोमा में भी सामने आया बमबारी का नया वीडियो, वीडियो में मलबे से बच्चों को निकालते हुए दिखाया जा रहा है। ईरान के शहरौदा शहर में दो ट्रेनों की आमने सामने हुई टक्कर, 44 लोगों की मौत, 95 से ज्यादा लोग घायल। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में भूकंप के बाद तेज तूफान का खतरा, कई इलाकों को कराया गया खाली, पूरे देश में अलर्ट। मेक्सिको के मशहूर ज्वालामुखी में फिर से एक्टिविटीज देखी गई है, धुएं और राख के गुबार में 5 किलोमीटर के इलाके को घेरा, कई उड़ानें प्रभावित। पेटेंटी लीव से पहले सैफ अली खान ने फिल्म सैफ के कुछ हिस्से अमृतसर में शूट किए, दिसंबर में करीना की डिलीवरी के बाद फिल्म के बाकी हिस्से को शूट करें। फराह खान ने एक शो में किया बड़ा ऐलान, 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना का बनाएंगी सीक्वल, जल्द ही किया जाएगा स्टार कास्ट का ऐलान। मधुर भंडारकर की अगली फिल्म इंदु सरकार में नील नितिन मुकेश निभाएंगे संजय गांधी की भूमिका, फिल्म पॉलिटिकल ड्रामे पर बेस्ड है। सिद्धीन सिद्दीकी मुन्ना माइकल के लिए ले रहे हैं डांस की ट्रेनिंग, को स्टार टाइगर श्रॉफ से सीख रहे हैं डांस के गो। संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर के साथ सेकंड लीड में हो सकते हैं एक्टर विकी कौशल, राजकुमार हिरानी बना रहे हैं ये फिल्म।